इलायची काट ली है, कुछ किशमिश लिया तकरीबन 2 टेबलस्पून के करीब, और 1 टीस्पून इसमें जाएगा इलायची का पाउडर। इलायची को अच्छी तरह से पीस लें, 1 से 1.5 कप दूध इसमें जाएगा, वज़न के मुताबिक होगा 250 ml। और ये है ऑरेंज या येलो फूड कलर, आप ले लें 1/4 टीस्पून। आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, ऑप्शनल है, इससे कलर बहुत ज़बरदस्त आता है। तो हलवा बनाने के लिए सबसे पहले हम मूंग की दाल को ड्राई रोस्ट कर लेंगे। अगर आप इसको हाई फ्लेम पे कर सकते हैं, मतलब इसको जल्दी जल्दी चलाते हुए हमने ड्राई रोस्ट करना है, इसको जलाना बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप हाई फ्लेम पे इसको संभाल सकते हैं तो हाई फ्लेम पे कर लें, अदरवाइज़ आप मीडियम टू लो के दरमियान इसको 2 से 3 मिनट तक भून लें। इसका कलर थोड़ा बहुत जब चेंज हो जाए, गोल्डन हो जाए, तो हमने इसको निकाल लेना है। और इस स्टेप से दाल में जो भी नमी होती है वो सारी ख़त्म हो जाती है और इसको पीसना बहुत आसान हो जाता है। मुसलसल चलाते हुए इसको भूनना है। यहाँ पे इसका कलर हल्का चेंज होना शुरू हो गया, मजीद इसको 1 से 1.5 मिनट तक हम ड्राई रोस्ट करेंगे। तो देखिए स्पॉट्स जो है वो आना शुरू हो गए हैं, और जब ड्राई रोस्ट करते हैं तो दाल की बहुत अच्छी सी खुशबू भी आना शुरू हो जाती है। यहाँ पे देखें बिल्कुल अच्छे से गोल्डन ब्राउन सा कलर आ गया है। अब हम कर देंगे फ्लेम को बंद और इसको ठंडा कर लेंगे प्लेट में निकाल के। दाल को निकालने के बाद सेम पैन में हम सूजी को भी भून कर रखेंगे। सूजी में जब सुनहरा कलर आ जाएगा तो हम इसको भी निकाल लेंगे। इसको तकरीबन 2 मिनट तक हमने ड्राई रोस्ट करना है, ये बहुत जल्दी भून जाती है और बहुत जल्दी इसका कलर चेंज होना शुरू हो जाता है। जब खुशबू आने लगे और सूजी का कलर थोड़ा सा गोल्डन हो जाए तो हमने इसको निकाल लेना है। तो ये देखें 2 मिनट तक हमने इसको भूना है और इसका कलर चेंज होना शुरू हो गया। तो फ्लेम को ऑफ कर दिया है और सूजी को भी हमने प्लेट में निकाल के रख दिया है। अब हम दाल को पीस लेते हैं। तो ब्लेंडर जार में दाल डालेंगे और इसको दरदरा पीसना है, बिल्कुल पाउडर नहीं बनाना। इस तरह से मैं आपको दिखा रही हूँ, देखिए इस ये दानेदार सी है। अब इसी तरह से हमने बाकी सारी दाल को भी पीस कर रेडी कर लेना है, बहुत ज़्यादा पाउडर नहीं बनाना है इसका। बाकी ये दाल भी हम सारी पीस के रेडी कर लेते हैं। तो अब हलवा बनाने की तरफ चलते हैं। पैन में सबसे पहले हम कम ऑयल डालेंगे, ऑयल को हमने साथ साथ यूज़ करना है। 2 से 3 टेबलस्पून हम ऑयल डालेंगे और सारे ड्राई फ्रूट्स को फ्राई कर लेंगे। बाकी किसी मीठे खीर वगैरह या डिज़र्ट में तो कच्चे नट्स अच्छे लगते हैं, लेकिन हलवे में ज़्यादातर हम इनको फ्राई करके यूज़ करते हैं ताकि इनका जो कच्चा पानी है वो दूर हो जाए। चाय नट्स को हम डालेंगे और इसको इनको मिक्स करके हम फ्राई करके जब हल्का गोल्डन कलर आ जाएगा सब पे तो फ्लेम को ऑफ करके इनको भी निकाल लेंगे। We'll be right back.
तो यहाँ पे गोल्डन कलर आना शुरू हो गया है और ये डन हो चुके हैं। इतना ही कलर हमने इनको देना था। हम डीप फ्राई करेंगे तो जम सकते हैं। प्लेट में निकाल लिया है और ये तकरीबन अलग अलग स्टेप्स जो थे हलवे के लिए वो कंप्लीट हो चुके हैं। अब बस हमने इसको पकाना है। तो मज़ीद ऑयल डालेंगे 3 से 4 टेबल स्पून और सूजी और दाल का जो हमने मिक्सचर रेडी किया है वो दाल को भी हमने भून लिया था, सूजी को भी हमने भून लिया था, तो इनको एक साथ ही डाल देंगे और चलाते हुए हमने पकाना है। और बस अब इसको चलाते हुए हमने मुसलसल चलाते हुए पकाना है। कोई भी स्टेप इसको छोड़ना नहीं है क्योंकि दाल जो है वो अब पाउडर फॉर्म में आ गया, बहुत जल्दी जल जाएगी और सूजी पहले से ही बारीक है तो बहुत जलने का खतरा होता है सूजी में, इसलिए इसको लो टू मीडियम पे पकाएं और मुसलसल चलाते हुए हमने इसको पकाना है। इसको हम भून लेते हैं तकरीबन यहाँ पे 3 से 4 मिनट जब तक ये दाल और सूजी ऑयल अब्सॉर्ब नहीं कर। हमने इसको तब तक भूनना है जब तक ये थोड़ी थोड़ी ड्राई होना ना शुरू हो जाए। अभी तो ये लिक्विड फॉर्म में है तो पहले ये बिल्कुल लिक्विड फॉर्म में आता है और फिर ये आहिस्ता आहिस्ता ड्राई होना शुरू हो जाता है। अब यहाँ पे हमने साथ में डाल दिया दूध। दूध डाल के हमने तकरीबन 1.5 कप दूध डाला है। इसको जल्दी जल्दी मिक्स करेंगे ताकि लम्स ना बने। और साथ में हमने इसमें 1.5 कप पानी भी डालना है। जितना दूध हम इसमें डालेंगे उतना पानी भी डाल लेंगे क्योंकि हमने खोया भी यूज़ करना है तो हमें जो लिक्विड की फॉर्म है वो ज़्यादा चाहिए। अगर आप पानी नहीं डाल रहे तो इसकी जगह दूध ज़्यादा कर दें और अगर आप खोया नहीं डाल रहे तो इस खोए की जगह मलाई या खुश्क दूध भी आप यूज़ कर सकते हैं। इस स्टेज पर यहाँ पे 1.5 कप दूध और 1.5 कप पानी डाल दिया है। इसको जल्दी जल्दी मिक्स करेंगे टूटियाँ ना बन जाए। तो ये हलवा बिल्कुल अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है। अब यहाँ पर हम डाल देंगे फूड कलर और जितना कलर आपको चाहिए उस हिसाब से आप इसमें कलर ऐड कर लें। तो ये कलर को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है यहाँ पे और ये देखें मैसी होना शुरू हो गया है, चिपकना शुरू हो गया है और ड्राई भी होने लगा है साथ साथ। मुसलसल भूनना है इसको। अब फिर से हम इसमें थोड़ा सा ऑयल डाल देंगे तकरीबन 1/4 कप के करीब। अब जो हमारे पास ऑयल बच गया है वो 1/4 कप बच गया है क्योंकि हमने 3 हिस्सों में डाला है। नट्स फ्राई करते हुए डाला है, फिर सूजी और दाल को पकाते हुए डाला है और अभी फिर डाला है। तो ये 1/4 कप हमने यूज़ किया पहले, अब 1/4 कप हमारे पास बच गया तो वो लास्ट में हम बुनाई के टाइम डालेंगे। तो अभी हमने इसको अच्छी तरह से भून लेना है, अच्छे से इसको सेपरेट सेपरेट करके भूनना है और इसमें आप डाल देंगे चीनी। अब ये देखें एक दफ़ा ड्राई हो चुका है इसका पानी तो अब हम इसमें चीनी डाल देंगे। चीनी अच्छी तरह से जब मेल्ट हो जाएगी तो ये फिर से थोड़ा सा लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा, थोड़ा सा पतला हो जाएगा फिर से हलवा। तो ये स्टेप्स जो हैं वो थोड़े मुश्किल तो हैं लेकिन हलवे में इन्हीं की वजह से टेस्ट और टेक्स्चर अच्छा आता है। एक साथ सारी चीज़ें डाल देने से वो फिर हलवे का ना टेस्ट अच्छा आता है ना टेक्सचर और ना ही कलर उस तरह से आता है। इसको हमने पहले एक दफ़ा ड्राई करना है अच्छी तरह से, फिर हमने इसमें चीनी डालनी है। तो देखिए चीनी जब मेल्ट हुई है तो फिर से दोबारा से इसी तरह चिपकना शुरू हो गया है चम्मच के साथ। अब फ्लेम को थोड़ा सा तेज़ करेंगे और यहाँ पर हमने डाल दिया इलायची पाउडर। साबुत इलायची भी डाल सकते हैं लेकिन फिर वो आपको स्टार्ट में डालनी पड़ेगी ऑयल में जब हम सूजी और दाल डालेंगे उस टाइम आपने, अगर साबुत इलायची यूज़ करनी है तो इस टाइम आप इलायची यूज़ करेंगे। अब ये जो बाकी का ऑयल बच गया है ये भी हमने सारा डाल दिया है। अब इसको लास्ट पे जो हमने भूनना है वो रह गया है, लास्ट वाली भुनाई हमने इसकी अच्छी तरह से कर लेनी है जब तक ये चम्मच को छोड़ ना दे।
अभी चम्मच के साथ बहुत ज़्यादा चिपक रहा है। थोड़ी देर के बाद अभी आप देख सकते हैं कि इसने चम्मच को छोड़ना शुरू कर दिया है। मुकम्मल नहीं छोड़ा लेकिन छोड़ना शुरू कर दिया है, यानी ये सेपरेट होना शुरू हो गया स्पून से। थोड़ा सा मेहनत वाला काम है लेकिन बहुत ही मज़े का ये हलवा बनकर रेडी होता है। आप इसको तकरीबन एक हफ्ते के लिए यूज़ कर सकते हैं, फ्रिज में रखा है तो आप 2 से 3 हफ्ते भी यूज़ कर सकते हैं इसको। तो इसको हमने मुसलसल चलाते हुए भूनना है, इसी से इसका कलर भी अच्छा सा आएगा और इसकी जितनी अच्छी भुनाई होगी उतना अच्छा टेस्ट आएगा। तो अब हमने इसको इतना भूनना है जब तक ऑयल बिल्कुल सेपरेट ना हो जाए। और आप ये देख सकते हैं माशाल्लाह कितना अच्छा कलर आया है और ऑयल भी सारा अलग होना शुरू हो गया है। जितना ऑयल डाला है सारा सेपरेट हो जाएगा। और ये देखिए ऑयल सेपरेट हो चुका है और चम्मच को भी हलवे में छोड़ दिया है, इसका मतलब हमारा हलवा जो है बनकर डन है, बिल्कुल रेडी है। अब ये लास्ट स्टेज पे हमने बिल्कुल इसमें खोया डाल के मिक्स करना है, उसको भूनना नहीं है क्योंकि वो ऑलरेडी पका हुआ होता है, तो उसको हम जस्ट मिक्स करेंगे। अगर आप खोया पसंद नहीं करते तो आप मलाई यूज़ कर सकते हैं, दूध की क्रीम यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप इसमें ड्राई मिल्क पाउडर भी डाल सकते हैं। इसको खोए को जस्ट हमने मेल्ट करना है थोड़ा सा हलवे में। और इसमें लास्ट में डाल देंगे अब हम नट्स जो हमने फ्राई, हल्का सा इसको कर लेंगे मिक्स। और ऑयल देख सकते हैं आप बिल्कुल सेपरेट हो चुका है और यहाँ पे हलवा हमारा सर्व करने के लिए रेडी है। अब हम इसका फ्लेम को कर देंगे ऑफ और इसको कर लेंगे सर्व। डिश आउट करने के बाद आपको फाइनल लुक दिखाते हैं। एंड पे हमने इसमें किशमिश डाली है, आप पहले भी डाल सकते हैं लेकिन अगर ये फ्राई हो जाए तो फूल जाती है और बहुत बदमज़ा रखती है हलवे में, तो ये फूले ना इसलिए हमने इसको लास्ट में डाला है और डिश आउट कर लिया, गार्निश कर लिया नट्स के साथ और खोए के साथ। उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी जरूर पसंद आई होगी, पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, एक दफ़ा ट्राई जरूर कीजिएगा और फीडबैक जरूर दिया करें। मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ, तब तक बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। इजाज़त चाहती हूँ, अल्लाह हाफिज़।